हेलो गाइस, वेलकम टू एंडीटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो जून के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोकिया की तरफ से हमें नोकिया की जी सीरीज और सी सीरीज देखने को मिलने वाली है, और ये दो स्मार्टफोन हमें जून के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या प्राइस पर आता है। वैसे मोटोरोला भी कुछ कम नहीं है। मोटोरोला ने हाल ही में अपनी मोटोरोला एज सीरीज लॉन्च की थी। चाइना में इसकी प्राइस अंडर 25,000 में स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और इसका नाम ग्लोबली G100 के नाम से लॉन्च हुआ था। और ये स्मार्टफोन हमें जून के महीने में देखने को मिलने वाला है, और इसके साथ ही हमें मोटोरोला की तरफ से G20 देखने को मिलने वाला है, जो आपको अंडर 10,000 के अंदर देखने को मिलने वाला है। देखते हैं मोटोरोला इसके प्राइस क्या रखता है। अगला स्मार्टफोन हमारे लिस्ट में इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स भी अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इन्फिनिक्स का दो स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 10 और नोट 10 प्रो। ये स्मार्टफोन हमें जून के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाला है, और ये भी बिल्कुल कंफर्म है। देखते हैं इन्फिनिक्स की प्राइस क्या रखता है। इसमें अगला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग अपने तीन स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, सैमसंग A2020, सैमसंग M2020 और सैमसंग F52, जो 5G होने वाला है। देखते हैं सैमसंग इसकी प्राइस क्या रखता है। अगला स्मार्टफोन है आईकू। आईकू भी अपने आईकू Z3 जो लॉन्च करने वाला है, ये चाइना में अंडर 20,000 के प्राइस में लिया हुआ था, और इसके अंडर 20,000 में स्नैपड्रैगन 768G 5G देखने को मिलता है, और इसके साथ ही इसमें आपको बड़ी सी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको एक डाउन पॉइंट है कि इसमें IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन देखते हैं आईको इसकी प्राइस इंडिया में क्या रखता है, ये भी हमें जून के महीने में देखने को मिलने वाला है। अगला स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स भी अपना 5G एक डिवाइस लॉन्च करने वाला है। देखते हैं माइक्रोमैक्स इसकी प्राइस क्या। ओप्पो की तरफ से भी हमें ओप्पो रेनो की 6 सीरीज देखने को मिलने वाली है। इसमें बताया जा रहा है कि दो स्मार्टफोन होने वाला है, ओप्पो रेनो 6 और ओप्पो रेनो 6Z या 6 प्रो हो सकता है। इसमें आपको बढ़िया सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, और यह बहुत ही स्लिम होने वाला है। लेकिन इसके प्राइस थोड़ी हाई हो सकती है, क्योंकि ओप्पो की रेनो सीरीज हाई प्राइस पर आता है। देखते हैं इसके इंडिया में क्या प्राइस होती है, या हमें जून के महीने में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें रियलमी की, तो रियलमी की तरफ से रियलमी C25, रियलमी GT जैसे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और हाँ, खास करके रियलमी मैक्स देखने को मिलने वाला है, रियलमी X7 मैक्स देखने को मिलने वाला है, जो हमें जून के महीने में देखने को मिलेगा। देखते हैं इसके प्राइस रियलमी क्या रखता है। अब बात करें ओप्पो के बड़े भाई की, वन प्लस भी अपनी नॉट सीरीज में Note CE 5G जो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अब देखते हैं इसमें क्या चिपसेट होता है और क्या प्राइस पर आता है, ये तो हमें जून के महीने में देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर पोको की, तो पोको की तरफ से हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, एक पोको M3 Pro 5G और पोको GT। यहाँ पर पोको M3 Pro 5G एकदम कन्फर्म है, लेकिन पोको GT यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि इंडिया में जून के महीने में लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर पोको M3 Pro 5G की बात करें, तो ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन हो सकता है, जो हमें 13,000 या 14,000 के बीच में देखने को मिलने वाला है। देखते हैं पोको के प्राइस क्या रखते हैं। बात करें यहाँ पर रेडमी की, तो रेडमी की तरफ से हमें रेडमी 10 सीरीज देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि रेडमी की 10 सीरीज हमें जून के महीने में देखने को मिलने वाली है। देखते हैं इसके प्राइस रेडमी क्या रखती है। ये वो सारे स्मार्टफोन थे जो इंडिया में जून के महीने में लॉन्च होने वाला है। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद है और आप किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।